आज का हमारा लेक्चर है कि कैनवा के अंदर फाइल मेन्यू का क्या काम है। जब हम कैनवा ओपन करते हैं इस तरह का जो ना हमारे सामने मेन्यू इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे होम का बटन आपको दिखाई देता है उसके साथ फाइल का बटन भी दिखाई देता है। फाइल में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जब हम कोई भी डिज़ाइन कोई भी टेम्पलेट ओपन करते हैं तो वो इधर बाय डिफ़ॉल्ट उसका अपना कोड होता है वो दिखाई दे रहा होता है, तो आप उसको अपने नाम से सेव कर सकते हैं। कहाँ से सेव होता है, फाइल पे क्लिक करेंगे इस तरह ये सेटिंग फाइल का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फाइल के मेन्यू के ऊपर जहाँ पे ये पेंसिल नज़र आ रही है आपको बनी हुई, इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जो नाम आपने फाइल का रखना है, आप वो फाइल का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। फाइल के मेन्यू के बाद आप नीचे देखें तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन से मुराद है कि अगर आपने नया डिज़ाइन बनाना है तो आप नया डिज़ाइन बना सकते हैं। नीचे देखें इम्पोर्ट फाइल्स है। इम्पोर्ट फाइल से मुराद आपने कोई फाइल पहले से क्रिएट की हुई है और उसका डिज़ाइन आप कैनवा में नया जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें कहीं आप उसको भी लगाना चाह रहे हैं जो पहले से आपने फाइल क्रिएट की हुई है, तो आप इम्पोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसको बताएंगे कि वो जो आपका डिज़ाइन है या वो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। वहाँ से आप अपलोड में जाएंगे, अपलोड से वो आप फाइल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसका जो डिज़ाइन है टेम्पलेट है वो आपकी मौजूदा फाइल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है व्यू सेटिंग्स, तरतीबात देखें, मतलब ये कि इसकी सेटिंग्स क्या है। इस सेटिंग्स के अंदर आप ये देखें तो ये एरो की नीचे आती है, इसमें एक है पैमाने और गाइड दिखाएं। पैमाने और गाइड से मुराद के इसकी गाइडलाइंस दिखाएगा, जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं उसके ऊपर वो आपको ग्रिड्स और गाइड्स को दिखाएगा। मार्जिन दिखाएगा, मार्जिन से मुराद के लेफ्ट से कितना छोड़ रहा है, राइट से कितना छोड़ रहा है, टॉप से बॉटम से कितना कितना ये ना पेज को छोड़ा आपने, उसके अंदर रहते हुए डिजाइन अपना क्रिएट करना है, उससे बाहर नहीं जाता। अगर आप उससे बाहर जाएंगे और उसका प्रिंट लेंगे तो वो आपको जो आपने बाहर उस मार्जिन से बाहर बनाया होगा वो प्रिंट में नहीं आएगा, और अगर आप मार्जिन के अंदर रह के काम करेंगे तो वो प्रिंट के अंदर आएगा। उसके बाद सेव टू फोल्डर, कि जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है उसको आपने सेव करना, तो सेव टू फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस जगह पे सेव करना है, तो आप इसको बताएंगे कि फलां जगह पे, सी पे, डी पे, ई पे, जहां भी आपने सेव करना है आप इसको डेस्टिनेशन बताएंगे। फोल्डर में महफूज करें, जो भी आपने फोल्डर जिस जगह पे भी रखा हुआ है वहां की आप इसको डेस्टिनेशन बताएंगे। मेक अ कॉपी, एक कॉपी बनाए। मेक अ कॉपी से मुराद है कि जो आप डिजाइन बना रहे हैं आप चाहते हैं कि इसकी एक और कॉपी बना बन जाए, तो आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करें उसका एक पूरी की पूरी उसकी कॉपी बना देगा। के बाद है जी डाउनलोड, डाउनलोड करें, जो डिजाइन आपने बना लिया है उसको कंप्यूटर में सेव करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं, यहां तक कोई किसी का सवाल है तो पूछ। कह रहा थे उनको कैसे यूज करना है, कौन कौन से टूल्स होंगे इसमें कैनवा में, वो उसके बारे में हमने पढ़ा था। चले मैं दोबारा आपको का एलिमेंट बता देता हूँ। ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके डिज़ाइन है, एलिमेंट्स हैं, अपलोड्स हैं, टेक्स्ट है, प्रोजेक्ट है, ऐप्स हैं, फोटोज़, ऑडियो, वीडियो है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था डिज़ाइन क्या होते हैं। डिज़ाइन अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आप कैनवा ओपन करेंगे आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपने कैसा टेम्पलेट बनाना है, वो आप यहाँ से टेम्पलेट अपना सेलेक्ट करेंगे। तो ये हज़ारों
की तादाद में टेम्पलेट्स हैं, आप जितना ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करके टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स बताया था कि जी लास्ट टाइम कैनवा के अंदर एलिमेंट्स का जो है ना बड़ा अहम काम है, एलिमेंट्स जो है ना कैनवा में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, और जिसको एलिमेंट्स की समझ आ जाती है, यूज़ करना जानता है, वो अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकता है कैनवा के अंदर, क्योंकि कैनवा में एलिमेंट्स जो है ना इसकी बैकबोन की हैसियत रखते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, इसमें आपको एरो मिलेगा, लाइन मिलेगा, सर्कल, हार्ट, फोन, रंग बिरंगे आपको इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे, फ्रेम्स मिलेंगे, ग्रेडियंट, फेसबुक, लोकेशन, कॉल, जैसा आप एलिमेंट चाहें आप सिंपल इधर लिखें, लिख के आप सर्च करें, आपको वो इसमें सर्च बार में देगा आपको ढूंढ के, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये वीडियोस है, ये भी एलिमेंट्स हैं, उससे फोटोज़ हैं, स्टिकर्स हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं, ग्रिड्स हैं, कलेक्शंस हैं, ये सारी कलेक्शन हैं, छोटे छोटे जो आइकन टाइप होते हैं ये सब वो है, इमोजीज जिनको आप बोलते हैं, स्टिकर्स जो होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये ले, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स में पाई जाती है, और इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं। खुद का डिजाइन अगर आपने क्रिएट करना है तो इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अपलोड्स है। अपलोड्स में ये होता है कि आपकी फाइलें जो पड़ी हुई हैं कंप्यूटर के ऊपर, आप इधर लेके आना चाहते हैं, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैं ये लेके आया हूँ, ठीक है, ये भी ऑलरेडी कंप्यूटर पे पड़ा हुआ, मैं इधर लेके आया हुआ, तो आप अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप उसको बताते हैं कि आपकी फाइल या पिक्चर किस जगह पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट का बताया था हेडिंग क्या होती है, मेन हेडिंग के लिए हम एडा हेडिंग लगाते हैं, उससे छोटी हेडिंग एडा सब हेडिंग है, उससे भी छोटी जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं, वो टाइटल है। उसके बाद नीचे कम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट्स है, ये आपको बने बनाए डिज़ाइन मिलेंगे फॉन्ट्स के, आप इसको सिलेक्ट करें और लिखें जो आपने लिखना है, तो आप सेम ऐसा ही लिखा जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे ये लिखा हुआ है चीयर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये चीयर्स आ गया, आप इसको डबल क्लिक करके चीयर्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स है, उसमें बताया था कि जी आप अपने प्रोजेक्ट्स जो सेव करते हैं वो चीज़ें आपकी इसमें पड़ी होती है, जैसे अभी ये देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये सेव हो रहा है, ये पहले से मैंने बनाए हुए ये सेव हो गए हैं। ऐप्स का बताया था कि इसके अंदर ऐप्स हैं, एक ऐप है टेक्स्ट टू इमेज, इस पर क्लिक करते हैं तो कहता है जी आप टेक्स्ट लिखें, उसको मैं कन्वर्ट करके दे दूंगा आपको इमेज के अंदर, लेकिन सेंटेंस ठीक हो, पैराग्राफ ठीक हो तब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको बताएगा मजीद। ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड आपको पूछेगा चेंज करना है क्या करना है। तो यहाँ तक आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जैसा मैंने पूछना था, ये जो टेक्स्ट टू इमेज है, ये न्यू फीचर इसमें ऐड हुआ है कैनवा में? उसके मुताबिक उस चीज को कन्वर्ट करके इमेज में आपको देगा। सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि दो तीन लफ्ज अगर लिखे हुए तो उसको नहीं यूज करेगा। ग्रामेटिकली वो ठीक होना चाहिए, उसको भी समझ आए कि आप क्या चीज मांग रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा बिजी थी तो मैं प्रिपेयर नहीं कर सकी इसको, तो मैं सिर्फ इसको आप आज लिसन कर रही हूँ, आप लोगों को सुन रही हूँ कि क्या करवाया, क्योंकि मैंने क्लास की लेट ज्वाइन की आज, इस वजह से मुझे मैंने आज एक्सट्रीमली सॉरी। इनको फाइल मेन्यू पढ़ाया, फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और रीसाइज करना बताया। रीसाइज का अगर आपका डिज़ाइन है तो आप रीसाइज कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा अंडू रीडू बताया। बाकी फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे टेक्स्ट का, कि टेक्स्ट आपने किसी जी सर, फॉन्ट थैंक यू को, सो मच। टेक्स्ट को जो है ना किस तरह लगाना है, रीसाइज कैसे करना है, कलर कैसे देना है, और टेक्स्ट के इफेक्ट्स के हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।